हरियाणा में तीन निर्दलीय विधायकों के भाजपा से समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस नायब सैनी की सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रही है। कांग्रेस विधायक और चीफ व्हिप भारत भूषण बत्रा ने बताया कि विपक्षी दलों के 45 विधायकों के लेटर गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय तक पहुंच चुके हैं। गवर्नर को भेजे गए लेटर में दावा किया गया कि कांग्रेस ने 30 जननायक जनता पार्टी के 10, निर्दलीय 4 इंडियन नेशनल लोक दल के 1 विधायक फ्लोर टेस्ट की मांग कर चुके हैं। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं, इसलिए बहुमत का आंकड़ा 45 ही है। इधर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस के दावे का खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जजपा के 10 में से 6 विधायक हमारे साथ हैं। मेरी 3 जजपा के बागी विधायकों के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। बता दें कि जजपा के 10 विधायकों का विपक्ष को समर्थन का दावा दुष्यंत चौटाला ने गवर्नर को लेटर भेज कर किया है, जबकि जेजेपी के 4 विधायक खुले तौर पर पार्टी से बगावत कर चुके हैं। भाजपा के 40 विधायकों में से 39 को ही वोटिंग का अधिकार है। 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस के समर्थन में ऐलान के बाद हरियाणा विधानसभा में भाजपा के 40 विधायक बचे हैं। इसके बीच में हरियाणा में राजनीतिक विश्लेषण और कानूनी विद हेमंत का कहना है कि विधानसभा में भाजपा के पास संवैधानिक रूप से प्राथमिक तौर पर 39 विधायक हैं। उन्होंने बताया कि नायब सैनी सरकार के पक्ष में और विरोध में तो 40 में से 39 एमएलए की वोट कर सकेंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189(1) के अनुसार विधानसभा स्पीकर केवल सदन में किसी प्रस्ताव पर मत बराबर होने की परिस्थिति में ही अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग 15 मई को सुबह 11 बजे बुलाई गई। सरकार के इस फैसले को लेकर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उस बैठक में हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने के बारे में प्रदेश के राज्यपाल से सिफारिश को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें संभवतः प्रदेश के 2 महीने पुराने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार विधानसभा में दूसरी बार अपना बहुमत साबित करने के लिए सदन में विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 3 के अनुसार 3 हफ्ते अर्थात 21 दिनों के अंतराल के बाद की तारीख से ही राज्यपाल द्वारा विधानसभा सदन बुलाया जाता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में उससे पहले भी ऐसा संभव है।